एक बिल्कुल यूनिक ब्रेकफास्ट रेसिपी बना रहे हैं, बिल्कुल कुछ अलग है, हटके है थोड़ा सा। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। ये मैंने 2 पट आलू ले लिया, अच्छे से बॉईल करके क्रश कर लिया, इसको घिया कस कर लिया, मैश कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा स्वीट कॉर्न, गाजर और कैप्सिकम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। आप अपनी चॉइस से कोई भी ये सब्जियां डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स जो आपको अच्छी लगती हो, बच्चों को अच्छी लगती हो, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ऑनियन, बीन्स, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया, इनको सबको हमने डाल लिया। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स कर लिया मैंने। ये मैंने 3 प्याज लिए हैं, देखिए मैं वो अंदर से नली नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से करते हुए 3 प्याज छील लिए मैंने, इवनली बिल्कुल छीले हैं। अब मैं इसको बीच में से 2 कर दूंगी, इस तरीके से करते हुए बराबर के उसमें करके ऐसे 2 कर दूंगी, इक्वली करके। अब मैं इसके रिंग्स निकाल लूंगी इस तरीके से करते हुए। देखिए ये रिंग्स निकाल लेंगे हम सारे इस तरीके से करते हुए। देखिए 3 में से मेरे इतने रिंग्स निकले हैं, ये है जिसको मैं एक्स्ट्रा बच गया है, जो मैं सब्जी में यूज कर लूंगी। ये मैंने एक चम्मच मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून, इसको मैं इसकी सेलरी बनाऊंगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हम इसके अंदर इस तरह से करते हुए। साइड बाय साइड मैंने ऑयल भी गर्म होने रख दिया है, साथ साथ हम तलेंगे फिर इसको। बहुत यूनिक और बहुत अलग सा है। प्याज के पकौड़े तो हमने बहुत खाए होंगे, लेकिन इस तरीके का आपने ब्रेकफास्ट नहीं करा होगा। ये देखिए ये ब्रेड क्रम्स ले लिए मैंने, ये मैं घर में फ्रेशली बना के फ्रिज में रख देती हूँ। अब ये मसाला जो हमने बनाया था, इसको हम इस तरीके से करते हुए ओनियन में भरेंगे अच्छे से, नीचे से हाथ लगा के इवनली इस तरीके से करते हुए। देखिए ऐसे करेंगे, इसके बाद इसमें डालेंगे, इसमें डिप करके ब्रेड क्रम्स के अंदर इस तरीके से ऐसे करते हुए बहुत अच्छे से वो कर लेंगे। और भी बना के दिखाती हूँ मैं आपको, फिलिंग भरी इसके अंदर, बहुत यूनिक रेसिपी है। इस तरीके से करते इसमें डालेंगे इस तरीके से करते हुए अच्छे से, इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसी तरीके से करते हुए हम सारे रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे रेडी कर लिए। अब इसको ऑयल इधर गर्म हो गया, चेक कर लेते हैं, अच्छा गर्म हो गया। अब इसके अंदर एक एक करके डालेंगे, जितना आ जाए उतने इजीली डालेंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। ये गैस को गर्म करके फिर मैंने सिम कर दिया, क्रिस्पी हो गए, इसको हम निकाल लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनकी, इसी तरीके से करते हैं और भी डाल देते हैं। देखिए रेडी हो चुके हैं, पहले वाले ज़्यादा क्रिस्पी हो गए थे। डिफरेंट स्टाइल ऑनियन रिंग्स रेडी हैं। प्लीज़ इस रेसिपी से एक बार ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसे बने। यूनिक रेसिपी है, ब्रेकफास्ट रेसिपी है, और आप बनाएंगे तो सब लोग पूछेंगे कैसे बनाई है, खाने में बहुत टेस्टी बनेगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ट्राई करके कि कैसा बना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।